दोस्तान हूं। हिमालया मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूं, और मेरी खाक पर संगे मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा, नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया, मजहब और रस्म व रिवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया। आज से 380 बरस पहले अजीम शान महल के आराम और आसाइशों से दूर, धूप और गर्मी से तपते हुए रेगिस्तान में, अंगारों की मानिंद जलती हुई रेत पर ये नंगे पांव चलने वाला तन्हा इंसान अकबरे आजम है। इन आंखों की मायूसी कह रही है कि इन्होंने अभी तक औलाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखा। औलाद की आरजू में अकबर के लड़खड़ाते हुए ये कदम हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के आस्ताने की तरफ बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद पर कि उनकी बाबरकत दुआओं से खुदा ताला अकबर को बेटा अता फरमाएगा। शाही जुलूस के इस लाओ लश्कर में पैदल चलने की मन्नत तन्हा अकबर आजम की है। आखिर मंजिल मकसूद आ पहुंची, और उस शहंशाह ने जिसके आगे सारी दुनिया झुकती थी एक फकीर की सरकार में अपना सर झुका दिया। मांगने की तरह मांग, खुदा अपने बंदों की इल्तिजाएं कभी नहीं ठुकराता। दुआ के लिए हाथ उठा, फकीर तेरा साथ देता। शहंशाहों के शहंशाह, तूने इस हकीर बंदे को अपने खजाने से दुनिया की तमाम नेमतें अता की। जहां पनाह और जिल्ले लाही कहकर पुकारने वाली आवाजें सुनाई, अब बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुनाते। ये दोनों जहान के मालिक, अकबर को दुनिया में बेनाम और निशान न बना। जोधा की गोद उसकी रहमत से आबाद हो। जिल्ले इलाही को मुबारक हो, खुदा ने महारानी की गोद आबाद की। जिल्ले इलाही को चांद सा बेटा और मुगल सल्तनत को वलीहद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अकबर की मायूस जिंदगी में खुदा की रहमतों का पैगाम लेकर आई हो। लो ये अंगूठी, बतौर निशानी अपने पास रखो। इंसाफ के इस मुकद्दस तराजू की कसम, अकबर से जिंदगी में एक बार जो मांगोगी अता किया जाएगा। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ नौखेज शहजादे की तबीयत की शोखियां जाहिर होने लगी। शहजादे, ये तराजू आपके खेल की चीज नहीं। तो क्या ये जिन्हें लाए की खेल की चीज है? जी नहीं,
ये मुकद्दस तराजू हजरत बाबर की यादगार और मुगल शहनशाहों के इंसाफ का निशान। बहुत खूब, ये लीजिए, आपको दरबार में यही कहना है, इसे याद कर लीजिए। क्या ये हुक्म है? जी नहीं, गुजारिश। तो फिर हम कोशिश करें। शहजादे की नाफरमानियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और वो अदब और फरमा बरदारी की हदों से आगे बढ़ने लगा और फिर एक दिन मुगलों का तारीखी विकार हिचकोले खाने लगा और सरशार सलीम के कदम लड़खड़ाने लगे। और अकबरे आजम को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अंधेरों में डूबता हुआ महसूस हुआ। खुदा, हम रोजे बंद नहीं देखेंगे जिस दिन मुगलों की अजमत सिमट कर एक औबाश शहजादे का खिलौना बन जाए। मान सिंह, इसके सर से मां के प्यार का रेशमी आंचल हटाकर इसे लोहे का खौद पहना दो। इसे ले जाओ और जंग के तपते हुए रेगिस्तानों की आंधियों में इसकी परवरिश करो। लो, हम आज मुगलों का मुस्तकबिल तुम्हारे हवाले करते हैं। मैदान जंग से साहेब आलम का जर्रा बख्तर आया है। सलीम, मेरा सलीम। हम खुश हैं कि सलीम ने आज हमारे खून का अदा कर दिया। सलीम, सलीम, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बच्चा। हिंदुस्तान के अजीम शान मलिका। नहीं महाबली, एक माँ, सिर्फ माँ, और कुछ नहीं। हमें ये मालूम नहीं था कि महारानी जोधा एक कमजोर माँ के हाथों इतनी मजबूर हो सकती है, अपने विकार को भूल सकती है। उफ महाबली, ये मुगलों की कैसी राजनीति है जो उस माँ को तड़पने भी नहीं देती, रोने भी नहीं देती जिसके बेटे का लहू इस बेदर्दी से लुटाया जा रहा है। उसे तड़पते दीजिए लेकिन रोने ना दीजिए। वो सब माएं भी अगर आपकी तरह रो पड़ी जिनके बच्चे आपके बेटे के साथ मैदान जंग में हैं, तो हिंदुस्तान आंसुओं में डूब जाएगा। ज्यादा बरस तक जंग के तपते हुए रेगिस्तानों की आंधियों में सलीम ने परवरिश पाई और अंजाम का वो एक फातेह सिपह सालार बन गया। जर्रा इजाजत का मंतजर है। शहजादे, क्या जख्म धोए नहीं जाएंगे? ये जख्म नहीं, फूल हैं दुर्जन, और फूलों का मुरझाना बाहर की रुसवाई है। सुनो, ये कातिल ही नहीं, दिलदार भी है, ये शाख गुल भी है, तलवार भी है। ये गुंगा फौलाद भी कोई प्रीत की राजकुमारी है शहजादे, जिसके आंचल पर आप कविता लिखते हैं। हमने इस लोहे के टुकड़े को सखल सिपाही की नजर से नहीं देखा जिसके हाथ में तलवार कसाब की छुरी की तरह महज खून चाटती है और गोश्त काटती है। और साहेब आलम के हाथ में? हमारे हाथ में ये लचकती हुई शमशीर उस नाजनी की तरह है जो अपने आशिक के हाथ में शर्म से थरथराने लगती है और हिजाब से उसके गुलाबी रुखसार तमतमा कर सुर्ख हो जाते हैं। जो मिजाज 14 बरस तक खून की वर्षा में नहाता रहा वो आज भी कविता में रचा हुआ है। कितनी हैरत की बात है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं। अगर उमर खय्याम की रुबाई सुनहरे वर्क की बजाय पथरीली जमीन पर लिख दी जाए तो क्या उसके मानी बदल जाएंगे? नहीं। तो फिर तुम्हारे महाबली ने हमारे लिए जो कुछ भी सोचा है गलत ही सोचा है।
فتح کی تاریخ سے رنگین زرہ بکتر مہابلی کے ملاحظے کے لیے بھیجے جائیں گے۔ خون میں ڈوبی ہوئی میری جوانی کا ایک ایک وقت کیوں بھیجتے؟ زرہ بکتر کے بدلے خاک اور خون میں تڑپتے ہوئے میری زندگی کی پوری داستان ذل الہی کی نظر کر دیجیے۔ شہزادے کی زندگی کی داستان مہابلی کے حضور میں سنبھال کر لے جانے والا میرے سپوت سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ مہابلی کا اقبال سلامت رہے۔ صاحب عالم نے ایک بار پھر فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے صاحب عالم نے خود کتنے زخم کھائے؟ بے شمار سینکڑوں تلواریں صاحب عالم کے جسم پر پڑ کر کند ہو گئیں۔ ہر بار دشمن کی تلوار چمک کر شاہزادے کی ہمت اور اکبری خون کی داد دیتی تھی۔ ہم سلیم کا ذرا بختر ملاحظہ کریں گے۔ ذرا بختر کے بجائے صاحب عالم نے مہابلی کے حضور میں یہ پیغام بھیجا، باواز بلند پڑھا جائے، بنام تاجدار ہندوستان شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر، لیجیے یہ آپ کے عظیم الشان ولی عہد کے خون سے سینچی ہوئی ایک ایک گز زمین کا حساب ہے۔ 14 برس تک جنگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی یہ زمین میری رگوں سے آپ کا لہو چوستی رہی۔ جنگ کی آگ تو ٹھنڈی ہو گئی لیکن آپ کے سلیم کی رگوں میں ابھی خون باقی ہے۔ حکم ہو تو دکن کی چٹیل اور سنگلاخ وادیوں کو اپنے خون سے دلہن بنا دوں آپ کا فرما بردار سلیم۔ الحمدللہ آج سلیم اکبر کا جانشین بن گیا۔ میرے عدل شہزادہ نور الدین محمد سلیم کی خدمت میں فرمان ارسال ہوں کہ پایا تخت کی طرف پوچھ کریں۔ مہابلی کو صاحب عالم کی واپسی مبارک ہو۔ ہے ایشور وہ شکھڑی جلد دکھا جب میرا لال میرے آنکھوں کے سامنے ہو اور کچھ دیر کے لیے میں تجھے بھی بھول جاؤں۔ سنتراش سنتراش، محلوں کی بہار ایک ویرانے میں صاحب عالم کے لیے پتھر کا ایک مجسمہ لینے آئی ہوں۔ میرے بنائے ہوئے مجسمے شہزادوں اور بادشاہوں کو پسند نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سچ بولتے۔ یہ دیکھو یہ شہنشاہ کا دربار ہے، شہنشاہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ انصاف، جس کی کوئی فریاد نہیں۔ اور یہ ہے میدان جنگ، لاکھوں بے گناہ انسانوں کا خون اور ایک انسان کی فتح، اور یہ ہے سچ بولنے کا انجام، سزائے موت۔ یہ سچ نہیں سنتراش، ایک فنکار کا طنز ہے، ایک شکایت ہے۔ یعنی عقل تمہارے فن کی خوبصورتی کو مانتی ہے، دل نہیں۔ وہ تیر ہی کیا سنتراش جو دل کے پار نہ ہو، وہ بت ہی کیا جس کے آگے مغرور سر خود بخود نہ جھک جائیں۔ تو پھر میں ایک ایسا بت بناؤں گا جس کے قدموں میں سپاہی اپنی تلوار، شہنشاہ اپنا تاج اور انسان اپنا دل نکال کر رکھ دے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تاج دوسروں کے ہاتھوں پہنا جاتا ہے۔ ہاتھ دوسروں کے ہوتے ہیں لیکن ہمت اپنی ہوتی ہے۔ کوئی آنا جائے باہر، کیا تمہیں خوف نہیں؟ خوف تاج ان سروں پر نہیں رہتا جن کے قریب خوف آ جائے۔ تم اس شاندار ملک کی ملکہ بننا چاہتی ہو؟ نہ جانے کتنی لڑکیاں یہ خواب دیکھ رہی ہوں گی۔ انہیں خواب دیکھنے دو، تم میری آنکھیں دیکھو۔ افری آنکھیں جیسے کسی شرابی نے پیمانے کے بدلے تلوار اٹھا لی ہو۔ کیا آسمان سے تارے توڑنے کا ارادہ ہے؟ کبھی کبھی تارے خود ٹوٹ کر زمین پر گراتے ہیں مغرور شہزادوں کے لیے، ایک جھکی ہوئی نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ ہاں موت کی کھڑی اور شہزادوں کے دل کا کیا ٹھیک؟
न जाने किस वक्त आ जाए। काश ये वक्त कल ही आए। महारानी को बधाई हो, सुबह होने में एक पहर बाकी है। कनीज रात घड़ी का आखिरी मोती पेश करती है। इस मोती की कीमत अदा की जाए। महाबली अपने बेटे का स्वागत जंगी लिबास में करेंगे? हम अपने बेटे का नहीं, हिंदुस्तान के मजबूत सिपाही का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। महाबली, मैंने सलीम को बचपन से जवानी तक पढ़ते नहीं देखा, एकदम मेरी नजर के सामने न लाइएगा। देखकर ये कौन छुप गया है बाहर? छुपा नहीं, छुपाया गया है साहेब आलम। क्यों? संतराश का यह दावा है कि जब यह मुजस्मा बेनकाब होगा तो बेखौफ होगा। कहो, कभी कभी दावे दिलचस्प भी हुआ करते हैं। उसका यह दावा है कि इस मुजस्मे को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकालकर उसके कदमों में रख देगा। संतराश का दावा दिलचस्पी की हदों से आगे बढ़ गया है। हम उसके फन का गुरूर देखना चाहते हैं। महाबली का यह हुक्म है कि साहेब आलम इस मूर्ति को न देखे। क्यों? राजजोशी का यह कहना है कि आज रात चंद्रमा के ढलने से पहले शहजादे का किसी मूर्ति को देखना बुरा शगुन होगा। नकाब कुशाई कल सुबह महाबली के सामने होगी। संतराश का दावा, राजजोशी का शगुन और इस मुजस्मे पर पड़ी हुई नकाब, हम सुबह का इंतजार कैसे करेंगे? दुर्जन, संतराश का दावा यकीनन सही था। बेशक इस बेपनाह हुस्न की ताब पत्थर ही ला सकता है। बुतों की खुदाई तस्लीम करने को जी चाहता है। साहिब आलम पर बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा, मगर वफा परस्ती की दाद भी मिल जाएगी। नादरा, मुजस्मा तैयार नहीं हो सका। कल सुबह फिर तुम्हें मुजस्मे की जगह खड़े रहना होगा। साहिब आलम ने मुझे देख लिया और तुम्हारे फन की दाद दी। इस दाद में छुपी हुई एक मोहब्बत भी है। मोहब्बत किससे? तुमसे।
जिले नाही तशरीफ ला रहे हैं। कनीज एक तजवीज पेश करने की इजाजत चाहती है। इजाजत है? अफसानों में है कि मुजस्समों की निकाब कुशाइयां तीरों से भी हुआ करती थी। तजवीज पसंद आई शेख। अफसाने हकीकत में बदले जा सकते हैं। दिल इलाही हुक्म की तामीर होगी। सुभान अल्लाह, मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर संगे मरमर में पनाह ले ली है। कनीज फरिश्ता नहीं, इंसान है। मगर तुझे बुत बनने पर किसने मजबूर किया? आपकी सल्तनत के एक जिद्दी संतराश ने, जो गुमनामी के पर्दे से बाहर आना नहीं चाहता। संतराश का अनोखा फन यकीन दाद के काबिल है, लेकिन तीर चलते वक्त तू खामोश क्यों रही? कनीज देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में किस तरह बदलते हैं। बहुत खूब, हम तेरे हौसले की दाद देते हैं। रानी, आप इसे अपनी कनीजों में दाखिल कर लीजिए और हम इसे अनारकली का खिताब अता करते हैं। और कल कृष्ण जन्म के जश्न में अनारकली राधा के लिए मुनासिब रहे। शेखू, तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली।
सुरैया? मोहब्बत हो गई है आपा। तुम्हें दीवानी, मुझे किससे मोहब्बत? जिन्हें तुमसे है। हाय अल्लाह, कौन? साहेब आलम। चुप सुरैया, अभी से हुकूमत करने लगी आपा, जब मलिका बनेगी। सुरैया, खुदा के लिए ऐसे ख्वाब ना दिखा जिनके देखने की एक कनीज कभी जुरत भी नहीं कर सकती। वो साहेब आलम है, हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह। तो क्या हुआ आपा? शहंशाह बेशक खास अल्लाह मियां के यहाँ से आते हैं, पर उनकी मलिकाएं तो कहीं से भी आ सकती हैं। सुरैया, यहाँ क्यों आई हो? आ गई। किसकी इजाजत से आई हो? अपने दिल की। जाओ यहाँ से। नहीं जाते। आने दो दुर्जन, क्या चाहती हो? नहीं, देखने आई हूँ कि लोग आपको देख के होश हवास क्यों खो देते हैं। ये किसने कहा? नादरा आपा ने, जिसके होश हवास आपने लूट लिए हैं। गुस्ताख लड़की। मेरा नाम सुरैया है। तुम्हारी आपा भी तुम्हें सुरैया कहती हैं? पहले तो कहती थी। और अब? अब सब कुछ भूल के उनकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम रह गया, साहेब आलम। अपनी आपा तक हमारा ये पैगाम पहुँचा दो। यूं खत का जाना खतरे से खाली नहीं साहेब आलम। मोहब्बत कीजिएगा तो दिल से डर निकल जाएगा। बाजी, अल्लाह ऐसे भी क्या बेख्याली। लो ये खत। खत कैसा? साहेब आलम का। हाय अल्लाह, अल्लाह को याद करोगी तो दूसरा खत आ जाएगा। लो संभालो, तड़प रहा है, शायद इसमें साहेब आलम का दिल है। अब ले भी लो। नहीं। वाह, दिल देने में देर नहीं और दिल लेने में इतनी देर। माहे रू में जबी अनार कली, दिल रुबा दिल नशी अनार कली। हो ये मालूम तुमको बादे सलाम, गमे फुरकत से दिल है बे आराम। रात दिन तुमको याद करते हैं, आरसू में तुम्हारे। खुदा न करे मरते हैं। रात काटेंगे इंतजार में हम, मगरबी बुर्ज के किनार में हम। बन करके कमल में खत का जवाब, नहर की राह पेश देना शिताब। भूल जाना ना ए वफा की शमी, मुंतजिर है जवाब खत का। सली। अकल तमाशा देखती रही और इश्क नगमों का सहारा लेकर अपनी हद से आगे बढ़ गया। साहिब आलम, आफताब की रोशनी दुनिया की हर गोशे को रोशन करती है। खुद आफताब ने क्यों तकलीफ की? ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। खुदा के लिए साहिब आलम शहजाद की को रुसवा न कीजिए। आप आका हैं, मैं कनीज। मैं आज बुलंदी और पस्ती की ये दीवार गिरा देना चाहता हूं। बैठ जाओ अनारकली। साहिब आलम, अनारकली तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूं। इन्हें न देखिए शहजादे, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। भूल जाओ कि तुम एक कनीज हो और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जबान कहते हुए डरती है।
मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। नारकली, मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा। ना देना बेटे, तू कहां है? उन्हें देख लेने दो। ये कनीस आपका फिराक बर्दाश्त कर सकती है, आपकी रुसवाई नहीं। या लिसानुल गैब, बताइए अब क्या होगा? दिल में रवत से दस्तम साहिब दिला खुदारा, दर्दा के राजे पिन्हा ख्वाहिद शुद आशकारा। इस फाल का मतलब क्या है बाजी? इसका मतलब, ए दिल वालो, दिल मेरे हाथ से चला, कहीं दिल में छुपा हुआ दर्द जमाने पे जाहिर न हो जाए। खुदा जाने तुम्हें क्या हो गया, अकेले में तुम्हारा जी भी नहीं घबराता। सब तुम्हें पूछते हैं, उठो चलो मेरे साथ। नहीं सुरैया, मैं डरती हूँ कहीं जमाने की निगाहें मेरे सोचने का राज मेरे चेहरे से न पढ़ ले। नादिरा, तू ये काय किस तरह गुमसुम क्यों हो गई बेटा? कहीं आना जाना, लोगों से मिलना जुलना अगर छोड़ बैठेगी तो लोग कहेंगे खिताब से सरफराज होते ही मगरूर हो गई। अल्लाह, मजबूर को मगरूर कौन कहेगा? दुश्मनों की जबान कहीं रोकी जाती है? महलों की कहानियां तुम क्या जानो? आओ बाहर, जरा इसे भी अपने साथ रखा करो। आप फिक्र न करें, मैं इसे अपने साथ ले जाने के लिए हाजिर हुई हूँ। जियो बेटा, तो फिर संभालो इसे, मैं चली। अनारकली, तुम्हारा नया नाम कितना खूबसूरत है। हाँ, जैसे जलते और पिघलते हुए मोम का खूबसूरत नाम शमा है। जब शमा बन चुकी हो तो परवानों से क्यों दामन बचाती हो? कैसे परवाने? जैसे हम, कभी अपने हुजरे से हमारी महफिल में भी आओ। महफिल? आज की रात हमने बैतबाजी की महफिल आरास्ता की है। क्या ही अच्छा होगा, एक तरफ तुम होगी और एक तरफ मैं, और हमारी हार जीत का फैसला साहिब आलम के अख्तियार में होगा। आई है बड़ी मुद्दत में उम्मीद
बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुपके चुपके आँख भरना घुटके मर जाना, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। तुम्हारा ख्याल इस फूल का मुस्तहिक है, तुम्हारा नजरिया ये है अनारकली। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। तुम्हारे हिस्से में ये कांटे आए हैं। सही नसीब, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। मानसिंह ये क्या है? सूबे अजमेर के बंदोबस्त कागजात महाबली के हुजूर। हमारे हुजूर में? जी हाँ। क्या राजा मानसिंह को मालूम नहीं कि हम अजमेर के सूबा वली अहद सल्तनत को अता कर चुके? मालूम है महाबली। फिर ये कागजात? मजबूरन यहां लाया हूं। अगर अब इन पर हुक्म जारी न किया गया तो सूबे में बदअमनी फैल जाने का अंदेशा है। नौबत यहां तक पहुंच गई और आपने शहजादे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया? शहजादे के सामने कागजात कई बार पेश किए जा चुके हैं, लेकिन लेकिन क्या मानसिंह? मैं शहजादे की लापरवाही का सबब मालूम नहीं कर सका। मगर हम मालूम करेंगे। दुर्जन जाओ और सूबे अजमेर के हाकिम को हमारा पैगाम दो
कि इन कागजात पर फौरन अहकाम जारी किए जाएं और उससे कहो कि हम इस कोताही और लापरवाही का सबब मालूम करना चाहते हैं। साहिब आलम, मैं महाबली की आंखों में शोले देखकर आ रहा हूं। अब ये खतरनाक खेल खत्म कीजिए, वरना दुनिया वालों की जबान पर आपके ये अफसाने आने लगे।
जिस गुस्ताख ने इस वक्त यहां आने की जुरत की है वो हमारे महल में हाजिर हो। कनीज हाजिर है। कनीज को खंजर की नाफरमानी पर हैरत और अपनी बदनसीब जिंदगी से शिकायत है। साहिब आलम, गुस्ताख खंजर को सुरखरू होने का एक मौका और दीजिए। कनीज के सीने में काफी खून है। शमा के सीने में क्या होता है? रात की खामोश दास्ताने और कुछ राज। और यही सबब है कि सुबह होते ही हर शमा हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। साहिब आलम, तुमने भी एक राज जानने की कोशिश की है, तुम्हें भी खामोश करने की यही सूरत होगी। अब तुम जा सकती हो। अनार की कलियां, आजकल महल के चमन में अनार की इन कलियों पर बहार है जो अब तक जिलेलाही की निगाहों से महरूम है। अनार कली भी हमारी बारियाबी से महरूम है। हमारा थका हुआ दिमाग शायद उसके दिलकश रख से आराम महसूस करे। उसे हाजिर करो। वो इस वक्त हाजिर नहीं हो सकती। सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। पांव की खाक को सर का ताज ना बनाए। वो बन चुका अनारकली, मैं देख रहा हूं। अकबर आजम का हिंदुस्तान तुम्हारे इख्तियार में होगा। खुदा के लिए, हिंदुस्तान के इंसानों की तकदीरें तुम्हारे गेसुओं के हलके में घिर जाएंगी अनारकली। और फिर तुम जिधर मुड़कर देखोगी हजारों तकदीरें कांपती रहेंगी, मुस्तकबिल लरसते रहेंगे। जिले लाही तशरीफ ला रहे हैं। अगर जिले लाही ने मुझे यहां देख लिया तो अनारकली की कब्र आपकी आगोश में बदल जाएगी। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। कहां है वो? कौन? अकबर आजम, जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घोंट दी जाती है। अदब से बात करो सलीम। एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए। अनारकली आजाद नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। वो कौन सा फर्ज है जो मोहब्बत को भी सीने में कुचल सकता है? महाबली का हुक्म तुम्हारा फर्ज है। ये फर्ज तो नहीं, एक शहंशाह के महल में पैदा होने की सजा जरूर है। लेकिन हमारी बख्शी हुई ये अजीम शान सजा तुझे भगतनी होगी। तो फिर मासूम अनारकली को भी कैद करने के बजाय यही अजीम शान सजा दीजिए। हमारे फैसलों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं। लेकिन मुझे अपनी जान पर इख्तियार है। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैदखाने की ये रात अनारकली पर नहीं, अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरेगी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। न
दीवाने खास में हाजिर हो। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। कैद खाने के अंधेरे कनीस की आरजुओं की रोशनी से कब थे? अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरजुएं और बढ़ जाएंगी, और बढ़ती हुई आरजुओं को कुचल दिया जाएगा। और जिल्लेलाही का इंसाफ, हम एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते। अकबर का इंसाफ उसका हुक्म है, तुझे सलीम को भूलना होगा। भूलना होगा? यकीनन। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे यह भी यकीन दिलाना होगा कि तुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं थी। जो जबान उनके सामने मोहब्बत का इकरार तक न कर सकी हो वो इनकार कैसे करेगी? तुझे सलीम पर जाहिर करना होगा कि तेरी मोहब्बत झूठी थी। एक कनीज ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की आरजू की और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया। ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। परवरदिगार, मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा कि मैं साहिब आलम से बेवफाई कर सकूं। कनीज लेलाही का हुक्म बचलाने की कोशिश करेगी। कोशिश नहीं, तामील होगी। इसे आजाद कर दिया जाए। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। Me
तुमसे मोहब्बत न होती, तुमसे मोहब्बत न होती। साहिब आलम, पहले कभी किसी ने अकबर आजम को अपने अटल फैसलों से पलटते नहीं देखा। अनारकली की आजादी शहंशाह की शिकस्त है। ये शिकस्त नहीं, सबूत है इस बात का दुर्जन कि शहंशाह के सीने में एक दर्दमंद इंसान का दिल भी है। आज पहली बार मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान का वली-ए-दीन नहीं, एक रहमदिल बाप का बेटा भी हूं। उन्होंने अनारकली को आजाद करके मेरी मोहब्बत पर एहसान किया है दुर्जन। आपकी मोहब्बत पर नहीं साहिब आलम, किसी की बेवफाई पर एहसान किया है। किसकी बेवफाई? इन जंजीरों से पूछिए। हम तुमसे पूछते हैं। आपकी अनारकली की नाजुक कलाइयां कैदखाने की भारी जंजीरों का बोझ नहीं उठा सकी, और उसने इनके बदले जिले लाही से सोने के कंगन ले लिए। इसका सबूत? अनारकली की आजादी, इनाम में जागीरें, आज रात जश्न नवरोज में उसका नाच, और नाच के बाद महल से हमेशा के लिए रुखसत होने का इकरार। आलम तशीफ ला रहे हैं। आखिरकार अकबर आजम की गर्म निगाहों से वो मोम पिघल गया जिसकी तू बनी हुई थी, और उसके साथ तेरी मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी जलकर खाक हो गया जिसे तू पहनकर मेरे सामने इतराती फिरती थी। अनारकली, जिसे कैदखाने की एक ही कठिन रात के अंधेरे ने खा लिया। तगाबाज खनीज तो अनारकली नहीं, तो उसका नाम चुराकर कैदखाने से भाग आई है। तू मेरी अनारकली नहीं। हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यकीनन नहीं। अकबर की बुजदिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। तो एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले
ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहक है। सही नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी। दारोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैदखाने के अंधेरों में गर्क कर दो। तख लिया, तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीम शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है? मगर आज जिल्लेलाही को अपने जुल्म और मेरे जब्त की एक हद मुकर्र करनी होगी। अगर तुम्हारी आरजू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे? जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? कलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यो नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। मगर तुझे बदलना होगा सलीम, तुझे बदलना होगा। जिस बाप का यह मंसूबा हो कि उसके फर्जंद के कदमों में बड़े बड़े बादशाहों के ताज ठोकरें खाएंगे, और जो बादशाह ये सोच रहा हो कि उसके वली अहद का कदम अनकरीब बड़ी बड़ी हुकूमतों के सीने पर रखा जाएगा, उस बाप ने अपने बेटे को और उस बादशाह ने अपने वली अहद को एक कनीज के हुस्न की चौखट पर झुका हुआ देखा है। साहिब आलम महाबली के बुलंद इरादों पर अचानक बिजली गिरी है और इस सदमे से मुगल नस्ल का तख्त उनकी जानों के नीचे हिल गया है। जब तक वो संभल न जाए जब्त कीजिए। जब्त मैं करूं जिसकी दुनिया वीरान कर दी गई, और जब्त वो न करें जिनके सिर्फ शौक के बादशाहत को ठेस लगी है। नहीं शहजादे, ये बात नहीं, ये तुम्हारे महाबली की बादशाह ही नहीं खुदाई है कि वो दिलों पर भी पहरा लगा देना चाहते हैं। क्या मोहब्बत के लिए भी इजाजत और हुक्म का फरमान चाहिए? मेरी नातिन को बचाइए साहिब आलम, मेरी नातिन को बचाइए साहिब आलम, मेरी नातिन को बचाइए साहिब आलम, मेरी नातिन को बचाइए। मेरी लाडली कैद खाने की दीवारों से टकरा टकरा कर जान दे देंगे। वो अगर यूं मर जाएगी तो यह हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, यह हिंदुस्तान एक मकबरा अजीम बन जाएगा, इसमें मुगल सल्तनत की लाश दफन होगी। और अगर कैद खाने का दर न खुला तो कैद खाने की दीवारों को गिरना होगा। कैद खाने के भारी दरवाजे तलवारों से नहीं तदबीरों से खुला करते हैं। बाहर कनीज अपने हौसले से मजबूर है। चलो यहां से। कहां? अकबर आजम की बादशाहत से दूर। सलीम की बढ़ती गुस्ताखियों को हिरासत में ले लिया जाए।
सलीम, महाबली का सामना एक लौंडी के लिए? नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मकरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। हरगिज नहीं, खुद्दार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुल जाए, और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। तुम्हारे दिल पे हमारा कोई अख्तियार नहीं, लेकिन खुद तुम पर हमारा अधिकार जरूर है। आखिर तुम हमारी औलाद हो। हाँ, मैं आपकी औलाद हूं, मगर मुझ पर जुल्म ढाते हुए आपको जरा यह सोचना चाहिए कि मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूं, कोई गैर या कोई गुलाम नहीं। नहीं सलीम, नहीं, तुम हमारी बरसों की प्रार्थनाओं का फल हो, हमारी जिंदगी भर का सरमाया हो, हमारे लाडले हो। मगर ये राजनीति है, तुम इसमें हमारी ममता को आवाज न दो। हमारी गर्दन में अपनी मोहब्बत की जंजीर डालकर हमें हमारे फर्ज के दायरे से बाहर न खींचो। हमारी जिम्मेदारी और अपने मर्तबे का लिहाज करो। हिंदुस्तान के चांद रुस्वाई और बदनामी के ग्रहण में ना आओ। अनारकली को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हें अपने दूध का वास्ता देती हूँ। आप अपने दूध का मुझसे मुआवजा मांगती हैं? नहीं सलीम, नहीं। तो फिर यूं नहीं, वो आपका दूध जो खून बनकर मेरी रगों में जी रहा है, कहिए तो वो सब आपके कदमों में बहा दूं, मगर मुझसे उसका सूद वसूल न करें। चंदा, तुम जो कुछ कह रहे हो समझ नहीं रहे। समझ रहा हूं, मुझे अपने कीमती हिंदुस्तान में से एक जर्रा तक न दे, मगर अनारकली मुझे भीख में दे दे। मैं महारानी जोधा के जान माल का सदका और शहंशाह अकबर की सल्तनत की खैरात मांगता। सलीम, सलीम, ये आंसू जोधा की सारी जान और महाबली की जिंदगी है जो पिघल कर तुम्हारी आंखों से टपक जाना चाहती है। इन आंसुओं को रोको। अनारकली तुम्हें दी जाएगी। हरगिज नहीं, शहंशाह बाबा के वारिस को बदनामी नहीं बख्शी जाएगी। हमारा हुक्म है सलीम को जंग के मोर्चे पर दखन रवाना कर दिया जाए। मैदान जंग में तलवार सिपाही के हाथ में दी जाती है, मायूस आशिक के हाथ में नहीं। शाहजादे की जान खतरे में न डालिए। एक कनीज के इश्क में सर टकरा टकरा कर जीने से मैदान जंग की मौत बेहतर है। ठहरिए, हमारा सलीम जंग पर नहीं जाएगा। हमारा हुक्म अंधी ममता का मोहताज नहीं, लेकिन सलीम का मोहताज है। महारानी, अगर आज ये देखना है कि शहंशाह का हुक्म ठुकराया भी जा सकता है, तो सलीम को हुक्म सुना के देखिए। उसके दिल में हमारी ये कद्र है? सलीम के दिल में अपनी मोहब्बत का अंदाजा उसकी मौजूदा हालत से न लगाइए। ये तूफान आराम से गुजर जाने दीजिए, फिर देखिए सलीम क्या बन जाता है। और ये तूफान किस तरह गुजरेगा? उसे अनारकली दे दीजिए, अनारकली को अपना बनाकर सलीम हमारा बन जाएगा। अपनी औलाद को अपना बनाने के लिए हमें कनीज का एहसान उठाना होगा। औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता? अब मां है, सिर्फ मां। और आप शहंशाह हैं, सिर्फ शहंशाह। बेशक मानसिंह हुक्म की तामील हो। इस फरमान शाही की रूह से फरजंद अर्जुमंद वलीहद सल्तनत फरोग दूध माने बादशाही और बख्तियारी चराग खानदान शौकत और ताजदारी नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम कल अलसवा शाही महल छोड़ दें और मुस्ताद और तैयार लश्कर जर्रार लेकर दकन की तरफ कूच फरमाएं। लिहाजा वलीहद सल्तनत
ले जाओ ये बेमानी यहां, तो ये बड़े आदम का वली अब नहीं। शहजादे सब जंग जोड़ी पर इंतजार करें। शहजादे क्या ये नादानी न थी? थी और अब यूं ही होगा। उधर से अगर सिर्फ हुक्म ही हुक्म है तो इधर से भी गुस्ताखी और नाफरमानी होगी। आपको ऐसी नादानी नहीं करने दी जाएगी। ये वक्त हट और झुंझलाहट का नहीं। हट वो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इस वक्त मेरे जख्मों को मरहम की जरूरत थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए नश्तर भेजा। अगर वो समझे कि मुझे अपने रोग दाग से दबा लेंगे तो ये गलत है। अगर साहिब आलम ने उनके हुक्म की तामील न की तो अकबर आजम का जलाल ये तौहीन बर्दाश्त न कर सकेगा और साहिब आलम की जिद अनारकली की मौत का बहाना बन जाएगी। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा ही करेंगे। अगर आप अनारकली की जिंदगी चाहते हैं तो वो खून के दरिया और फौजों की सफों के पार खड़ी है, बढ़कर फौजों को उलट दीजिए। अगर अनारकली की जिंदगी जंग का सिला है तो मैं जंग के रुख को तो क्या मौत की मजबूत कलाई को भी फेर सकता हूं, मगर इसका जिम्मेदार कौन है कि मेरी गैर हाजिर में अनारकली यहां महफूज रहेगी? इसका जिम्मेदार मैं हूं कि वो मेरी तलवार के साय में यहां महफूज रहेगी। दुर्जन तुम्हारी तलवार एक है और अकबर आजम की तलवारें लाखों। तो फिर एक राजपूत के वचन पर कट जाने वाले सर भी लाखों हैं शहजादे। संतराज हमें यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे ऐसे फनकार भी हमारी सल्तनत में आबाद हैं, मगर सच तो यह है कि मैं आपकी सल्तनत में बर्बाद हूं। अब नहीं रहोगे। हम तुम्हारे फन की खूबसूरती को मानते हैं और तुम्हें इनाम इकराम से मालामाल करते हैं। फन की खूबसूरती के लिए इनामात बहुत, मगर फन की सच्चाई के लिए बहुत कम। फिर क्या चाहते हो? मैं अपने फन की सच्चाई को सल्तनत के गोशे गोशे में फैलाना चाहता हूं। तुम्हें इजाजत है? जह किस्मत जो करम अधूरा था वो जिले लाई की फराबली ने पूरा कर दिया। नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारी जिंदगी में एक मुस्कुराती हुई बहार की कमी है। हम तुम्हें इनाम में वो जीती जागती नाजनीन भी अता करते हैं जो तुम्हारे फन को पेश करने का खूबसूरत सहारा बनी थी। यानी कल अनारकली से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। लेकिन दिल्ले लाही क्या ये इनामात कम है? बहुत है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। आज मैं जिले इलाही के इंसाफ का कायल हो गया। अब तुम जा सकते हो। शहंशाहों के इंसाफ और जुल्म में किस कदर कम फर्क होता है। शहंशाह का बख्शा हुआ हसीन इनाम पाकर तुम्हें इसी कदर खुश होना चाहिए। खुश? खुशी का इजहार कमजर्फ इंसान किया करते। मैं किसी कम अक्ल की बख्शिशों का मजाक उड़ा रहा हूं। तो गोया तुम्हें शहंशाह के हुक्म और इस बेशकीमत इनाम दोनों से इनकार है? यकीनन। अंजाम जानते हो संतराज? हो सकता है मेरे इस बनाए हुए शाकार की तकमील मेरे ही खून से हो। संतराश अकबर आजम का हुक्म ठुकरा कर तुमने जिस दिलेरी और सच्चाई का सबूत दिया है हम उसके लिए तुम्हारे एहसानमंद हैं। साहेब आलम का एहसानमंद होना मेरी सच्चाई का इनाम नहीं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं आपकी सच्चाई में अनारकली की छुपी हुई तकदीर देखना चाहता हूं। जिले लाही के हुजूर में साहेब आलम का पैगाम है। आवाज बुलंद पा जाए। बनाम ताजदार हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मालूम हो कि मैं वली अहद सल्तनत शाहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इस इत्तला नामे के जरिए अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करता हूं।
मेरा मतालबा है कि जिल्ले इलाही अनारकली को मेरी बेगम और हिंदुस्तान की होने वाली मलिका तस्लीम करें, और जिल्ले इलाही ये भी तस्लीम करें कि मैं उसी तैमूरी नस्ल का खुददार शाहजादा हूं जिसके ताजदार मजहब मिल्लत की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी की मलिका चुनते आए हैं। लिहाजा मुझे भी अपनी मर्जी की मलिका चुन लेने का हक है और मैं इस हक का इस्तेमाल करता हूं। अगर जिल्ले लाही को मेरे फैसले से इनकार है। जवानी के खुमार में डूबी हुई इस तहरीर को आखिर तक पढ़ो। नासीज की जबान माजूर है। आज हद अदब मुकर्रर नहीं, बयान हो, बयान हो। अगर जिल्ले लाही को मेरे फैसले से इनकार है तो वो समझ लें बगावत हो चुकी। बखुदा अजम की बगावत हमें मंजूर है। वक्त मुहर्रिक से कहो हमारे बागियों की फहरिस्त में एक आशिक का नाम भी लिख ले। मान सिंह काबिला होगा, मां बदालत बनफ्से रफी से जंग में शरीक होंगे। महारानी भूल गई कि यह रस्म हमेशा उन्हीं के हाथ से अदा होती आई है। महारानी फरमाती हैं कि वो मजबूर हैं। साहिब आलम के कत्ल के लिए वो तलवार नहीं दे सकती। पुरानी रस्म बदली नहीं जा सकती। हम तलवार उन्हीं के हाथों से लेंगे। तारीख गवाह है कि हमें बागी का सर काटने वाली तलवार हमेशा आपके हाथों से मिली है। आज भी यह रस्म आपके हाथों अदा होगी। मेरे ही बेटे को कत्ल करने के लिए आप मुझे से तलवार मांग रहे हैं मां वली? हम आपके बेटे के लिए नहीं, उस बागी के लिए तलवार मांगते हैं जिसने आपकी मांग से सिंदूर खर्च डालने का ऐलान किया है। क्या आप हमारी हिफाजत और अपनी जीत के लिए हमें तलवार नहीं देंगी? मेरी जीत तो कोई नहीं मां वली, मेरी तो दोनों तरह हार है। एक तरफ सुहाग है और एक तरफ औलाद। और ये फैसला आपको अभी करना होगा, औलाद चाहिए या सुहाग। सुहाग की आबरू पर सती हो जाने वाली राजपूत सुहागनों की मलिका रुक क्यों गई? जोशीली और खुद्दार कौम के सूरमाओं की गैरतमंद बेटी हाथ क्यों कांप रहे हैं? इन हाथों से अकबर आजम की तलवार क्या उठेगी जो अपने सुहाग की चूड़ियों का बोझ तक नहीं उठा सकते? आपने सुहाग की लाली मेरे माथे से मिटा तो भी, लेकिन अब आपको सलीम के खून से ये लाली लगानी होगी। सुहाग की कीमत अगर औलाद का खून है तो लीजिए तलवार और बड़ी खुशी से मेरे बच्चे को कत्ल कर दीजिए। मैं उस तक नहीं करूंगी। जंग के नकारे की पहली चोप उसकी मौत का ऐलान है। महाबली किसकी मौत? उसकी मौत जिसकी मनहूस मोहब्बत के अंधेरे में सलीम हमारी शक्ल नहीं पहचान सकता। उस अंधेरे को मिटा दो। हमारे और सलीम के दरमियान मंडलाती इस खूबसूरत लागन का जहरीला फन कुचल दो। मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, फरियाद है आपके होते हुए
दरवाजा खोल दो, मैं अनारकली को लेने आया हूं। हम उसे मौत के सिवा किसी को नहीं दे सकते, यह अकबर आजम का हुक्म है और मुझे उसको जिंदा ले जाना है। यह एक राजपूत का वचन है। मौजें तैयार हो चुकी, महाबली का इंतजार है। मान सिंह, जंग शुरू होने से पहले हम सलीम से मिलने जाएंगे। महाबली का इकबाल बुलंद रहे, शहनशाह का बागी शहजादे के खेमे में यूं तनहा जाना मुनासिब नहीं। मगर एक बाप के लिए मुनासिब है। शहनशाह आलम पना तशरीफ ला रहे हैं। रख लिया। क्या जिले लाही एक बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए? ये बदनसीब बाप जिसे दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप? शहनशाह बाप का भेस बदल कर आया। शहनशाह रोया नहीं करते शिहु, बाप की आंखों में आंसू है। शिहु, यह गरीब बाप शहनशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है। और सलीम अपनी मोहब्बत से। शिहु,
शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहनशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करे। सलीम, शहनशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोग अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। इसी दिन के लिए हमने मांगा था तुम्हें। बेटे की जिद अगर बाप के सर से पूरी होती है तो बाप हाजिर है। साहिब आलम, क्या शहनशाह की ताकत ने राजपूत के वचन को हरा दिया? नहीं शहजादे, राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता। तो फिर अनारकली, सलीम बगैर जंग के कामयाब है? जंग नहीं होगी। जंग होगी। हमारी दुआ है के मैदान जंग में खुदा तुम्हें जलाल अकबरी से महफूज रखे। अनारकली, तेरी जिंदगी सलीम की बदनसीबी का पैगाम है। इससे पहले कि अकबरी तलवार का लंबा सा मौत बन के तुम्हारे सरों पर छा जाए, इससे पहले कि खाक और खून की आंधी में तुम्हारा नामो निशान मिट जाए, अनारकली हमारे हवाले कर दो। ये तलवार जिसने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड तोड़ा है, महाफिज है आज न सिर्फ अनारकली की बल्कि मोहब्बत करने वाले उन तमाम इंसानों की जिनके दिल की धड़कनों को किसी शहनशाह की गुलामी मंजूर नहीं। मान सिंह, यलगार हो, मुकाबला हो। जिंदगी को मैदान जंग की गर्द में छुपा दो। साहिब आलम, अनारकली की जान खतरे में है, अगर आप इजाजत दें तो उसे किसी महफूज मुकाम पर ले जाऊं। जीत कर महाबली महारानी जोधाबाई के महल में तशरीफ ला रहे हैं। ये सुहाकटी का कहीं मां के दिल का दाग तो नहीं? देखिए ये तलवार, इस पर सलीम के खून की एक बूंद भी नहीं। संसार में शायद तो पहली तलवार है जिसे मां ने कलेजे से लगाया है। मुझे सलीम से मिलाइए। आप उससे नहीं मिल सकती। क्यों? बाप की तलवार ने रहम किया है, लेकिन शहनशाह का इंसाफ अभी बाकी है। मुजरिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम वरक जलालुद्दीन
किया जाता है। मेरे अद कार्रवाई शुरू हो। बनाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, इल्जाम है कि तुमने महल की एक अदना कनीज की खातिर वली अहदी के एजाज को बदनाम किया, शाही एहकाम की तौहीन की, महकमा फौज के मोतमिद और वफादार राजपूत दुर्जन सिंह को गद्दारी पर उकसाया और अनारकली को फरार कराया। तुमने शहंशाह वक्त की फौजों को वरगलाया और बगावत की। ये तमाम इल्जामात वापस लिए जा सकते हैं। तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो। ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें? यकीनन। तो फिर आदिल शहनशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते, फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है, नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नामो निशान खो देता है। यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती। अनारकली चाहती है। और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता। तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त ताज हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं। मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो। और तुम और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। खामोश। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मां बदौलत मुजरिमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी। आज कोई हमारे रहम और दरिया दिली को आवाज न दे। एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। जब मुअर्रख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहंशाह अकबर की मौत पहले होगी। आज का तारीखी दिन अकबर आजम की शिकस्त और मोहब्बत की फतह का दिन है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और उन शहीदों की मांओं को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने सच्चाई और मोहब्बत की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये मेरी आखिरी इल्तिजा है दुनिया में दिल वाले का साथ देना, दौलत वाले का नहीं। वफा की राह में आशिक कीद होती है,
खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तो, दौलत की जंजीरों से तो रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खूने मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा रह जाती है याद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। बगावत कर बैठे तो दुनिया का रुख मोड़ दे, आग लगा दे महलों में और तख्ते शाही छोड़ दे। सीना ताने मौत से खेले कुछ न करे फरियाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। दुश्मन होश में आ हो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महाबली, हुक्म आली हो तो साहेब आलम को रिहा कर दिया जाए। अनारकली की मौत के बाद वो जिंदा है,
वो जिंदा है। जिले इलाही को साहेब आलम की जिंदगी को और तुझे तेरी मौत। ले जाओ इस खूबसूरत आंधी को, इस रंगीन फितने को, और जिंदा दीवार में चुनवा दो। जहां बना के इकबाल का सूरज हमेशा चमकता रहे, मेरे साहिब आलम की उम्र चांद सितारों से भी लंबी हो। मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। अनारकली, दस्तूर है कि मरने वाले की आखिरी आरजू पूरी की जाती है। अगर कोई आरजू हो तो महाबली के हुजूर में अर्ज करो। कनीज की आरजू जिल्लाही के अख्तियार में नहीं। हमारे रहम करम का दायरा इतना तंग नहीं जिसमें कनीज की आखिरी आरजू भी न समा सके। बयान कर। मरने से पहले कनीज मलिका बनना चाहती है। अंजामे कार, तेरे लबों पर आज तेरे दिल की आरजू आई गई। मौत की डरावनी रात में भी तू हिंदुस्तान की मलिका बनने के सुनहरी ख्वाब को नहीं भूल सकी। कनीज की मजबूरी को आरजू न समझिए जिल्ले लाई। साहिब आलम ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे अपनी मलिका बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका वादा झूठा और हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह जिंदगी भर एक अदना कनीज से शर्मिंदा रहे। हम हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मान सिंह, सलीम को रिहा कर दिया जाए। सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दें। मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। कनीज तो कब की मर चुकी। जनाजे को रुखसत की इजाजत दीजिए। जा सकती हो। शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है।
ऐसा क्यों किया तुमने? ये खूबसूरत हाथ, क्या इन्होंने मोहब्बत का दामन छोड़ दिया अनारकली? सलीम से मुंह न फेर अनारकली, मेरे पास आओ, बताओ क्या तुम इससे बेवफाई कर सकती हो? नहीं शहजाद, अनारकली अपनी जिंदगी से बेवफाई कर सकती है, आपसे नहीं। जिंदगी से? कौन है जो तुम्हें जिंदगी से महरूम कर देना चाहता है? कोई नहीं। क्या मेरे होश व हवास इसीलिए छीन लिए गए कि तुम मुझसे जुदा कर दी जाओ? तकदीर का यही फैसला है। तकदीर को फैसला बदलना होगा। अनारकली, मैं देख रहा हूं ये रेंगते हुए साए, ये अकबर आजम के बुज़दिल गुलाम जो तुम्हें लेने आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सामने आओ। अनारकली मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अनारकली जाने सलीम। ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती। अपनी दी गई इस निशानी को पहचानिए जिल्ले इलाही। याद कीजिए, आपने मुझसे वादा किया था
कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ। हमें कुछ याद नहीं। याद नहीं? मगर इंसाफ परवर बादशाह तो कभी अपने कौल से नहीं फिरते। क्या दिया, हमें कुछ याद नहीं। आप अपना वादा भूल सकते हैं, लेकिन वो शहंशाहों का शहंशाह जिसने आपको शहंशाह बनाया है, वो अपनी गरीब मखलूक को कभी नहीं भूलता। हश्र के दिन उसकी अदालत में मेरा हाथ होगा और आपका गिरेबा। मांगो, क्या मांगती हो? जो शहंशाह अपना हारा हुआ कौल नहीं दे सका, वो और क्या देगा? लो, देखो अनारकली, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, शहंशाह मेरा रहम भी शहंशाह। सुनो, देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी और ये राज कि अनारकली जिंदा है, तुम्हें राज रखना होगा ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी। ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहंशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी। अनारकली, कदम बोसे के लिए झुक जा। अनारकली, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, तुम लफ्ज मोहब्बत की आबरू बनकर जिंदा रहोगी और मुगलों की तारीख तुम्हारा यह एहसान याद रखेगी कि तुमने बाबर और हुमायूं की नस्ल को नई जिंदगी दी। लेकिन हम तुम्हें गुमनाम जिंदगी के सिवा कुछ नहीं दे सकते। हम मजबूर हैं, बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम है। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करो कि तो शायद तुम हमें माफ कर सको।